अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। रमजान में घर से ही चल रहा रोजा इफ्तार, लॉकडाउन से मस्जिदों में खामोशी, अब घर में ही मनेगी ईद। कोरोना लॉकडाउन ने कंपनी कारखानों के साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी ताला जड़ दिया है। हालत यह है कि रमजान में गुलजार रहने वाली नई मुंबई की मस्जिदों में भी खामोशी का आलम है। सरकारी पाबंदियों का पालन करते हुए मस्जिदों की बजाय घर में नमाज पढ़ी जा रही है। नमाजी अपने बच्चों और परिजनों के साथ अपने घरों में ही रोजा इफ्तार कर रहे हैं और परंपराओं का जतन करने में जुटे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी सराहना करते हुए मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे घरों में ही ईद मनाएं और अल्लाह से दुआ मांगें कि कोरोना की आपदा का कहर जल्द खत्म हो जाए और फिर पहले जैसा माहौल कायम हो। ईदच्या तर शुभेच्छा माझ्या मुस्लिम समाजातील बांधवांना, माता भगिनींना तर मी आधी देतोच आहे, पण त्यांना देखील विनंती करतोय की आपणही सहकार्य करता आहात। ही परिस्थिती ही अनपेक्षित आणि कोणाच्याही ध्यानीमनी नसणारी किंवा गेल्या अनेक वर्षात काही पिढ्यांनी न पाहिलेली अशी परिस्थिती संपूर्ण जग अनुभवते आहे। आणि म्हणून मी आपल्याला सुद्धा सांगतोय की एक दोन दिवसात जेव्हा आपला ईद आपण साजरा करणार आहात तेव्हा रस्त्यावरती न येता, कुठेही गर्दी न करता घरातल्या घरातून आपण आपली प्रार्थना करा आणि त्या प्रार्थनेमध्ये संपूर्ण आपल्या राज्यासाठी, देशासाठी आणि जगासाठी लवकरात लवकर हे कोरोनाचं संकट नष्ट हो अशी सुद्धा आपण एक दुआ मांगा। बता दें कि रमजान के पवित्र महीने में हर मस्जिद में हजारों की भीड़ होती है। शहर में बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां होती हैं जहां हजारों लोग जमा होते हैं, लेकिन लॉकडाउन से इन सब पर ब्रेक लग गई है। जाहिर है 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में इस बार की ईद भी घरों से ही मनाई जाएगी। समाजसेवी अफसर इमाम कहते हैं कि यह दौर इंसानियत की सेवा का सही दौर है और दस्तूर भी है, क्योंकि लोग जरूरतमंद हैं, इसलिए हमें ईद के लिए नए कपड़ों पर होने वाले खर्च को बचाकर जरूरतमंदों की सेवा में लगाना चाहिए। उन्होंने रोजेदारों से ऐसा करने का आह्वान भी किया है। तो आज इंसानियत का टाइम है, हम सबको ये दिखाने की जरूरत है कि इंसानियत से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी हमारे दोस्त ईद की खरीदारी कपड़ों को और अलग अलग आइटम को जो लेकर करते हैं उसमें पैसा जो हम लोग लगाते हैं उस पैसा का ऐसा इस्तेमाल करें जिससे हमारे गरीब भाई उन तक पहुंच जाए, उन तक खाने का सामान पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना मिल रहा है, एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं कि अपना पैसा, मैं खुद ने, हम लोगों ने इरादा कर लिया है कि हम अपने कपड़े का पैसा अपने गरीब दोस्तों में उसको उनको दे देंगे, खाने का सामान से उनको पूरा करेंगे। उसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि सारे रोजेदार भाई जो है उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो है ईद की खरीदारी कपड़े के रूप में जो हम लोग करते हैं वो ना करें। इस बार हम लोग बाहर भी नहीं जाए, बाहर जाने के लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन हमारे सरकार ने घोषणा की है उसका पूरा पूरा हम लोग पालन करें और घर से बाहर ना निकलने की कोशिश करें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। और ये सारा पैसा जो है हम लोग गरीबों को लगा दें, बहुत ईद आएगा, बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाएंगे, लेकिन आज इंसानियत का दौर है दोस्तों। आज हमको दिखा देना है कि हमारे अपने पैसा का जो हम लोग सही इस्तेमाल करते हुए अपने गरीब भाइयों की मदद की है। मैं आपसे मतलब बार बार गुजारिश करता हूं और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हमारी भी, हमारे परिवार के भी, हमारे पड़ोस के भी, हमारे मोहल्ले के भी, हमारे देश के भी या पूरे दुनिया के लोगों की इस महामारी से हिफाजत करे, हम सबको इस महामारी से बचाए और हम लोगों को इस बीमारी से निजात दे दे। मैं ये दुआ करता हूँ। सुम्मा आमीन आमीन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।